नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही कोर्ट में फंसी हुई हैं भर्तियां, और 28 को उसकी सुनवाई होने वाली है, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी बीच कल एक न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ छपी थी कल भास्कर, पाली भास्कर में, तो हमने आपको वीडियो बना करके भी वो दिखाई थी। तो काफ़ी सारे लोगों को टेंशन हो गई थी, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके भी हमको मैसेजेस भी किए, मेल्स भी किए कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी, कैसे होगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों पर मैं आज बात करूंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए, लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। और आपको बता दूँ कि लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि जो हम लोग मेहनत करके बनाते हैं, तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है कि जी हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, बट लाइक बहुत कम करते हैं। जो जिनको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करा करें आप। और आपको बता दूं कि अगर आपको, आप अपने कमेंट भी नीचे किया करिए, जो भी आपको बातें आपके दिमाग में आ रही होती है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट भी किए थे मेरे को कल कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तो मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और इस बात का सबूत ये है, क्यों कि जैसा कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि जो ये भर्ती होती है, इस हर एक भर्ती में, इस साल आपने देखा होगा कि प्रत्येक भर्ती में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था इस साल जो कि शांतिपूर्वक कंप्लीट किया जा सका हो, ठीक है। तो हर एक भर्ती में ये गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, और इन गिरोहों का काम यही होता है कि भर्ती को कैसे न कैसे जो भविष्य है स्टूडेंट्स का, वो दाव पे लगा दें, ठीक है। ऐसी सारी अपनी निकम्मी हैं हरकतें करके वो दाव पे लगा दें। और कुछ विद्या कुछ ऐसे लोग होते हैं, तत्व होते हैं, जो कि पैसे दे करके ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हर एक भर्ती में होता है, ये कोई रीट की बात नहीं है कि बस रीट में हुआ। इस साल आपने देखा होगा कि आपको कितनी खबरें नहीं सुनाई दी होंगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे भी न्यूज़ आई थी कि जो रीट की नकेल गिरोह का मास्टरमाइंड, इसको पकड़ लिया गया है और ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, पकड़ा जरूर गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं जो इस न्यूज़ में छपी थी, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और भी छपी थी कि यहाँ पे RPSC से उन्होंने न्यूज़ मांग, मतलब इनसे पुलिस ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कंडक्ट करवाता नहीं एग्ज़ाम, एग्ज़ाम तो दूसरी बोर्ड कंडक्ट करवाती है। तो ये भी थोड़ी यहाँ पे डाउटफुल बात थी। और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी 54,000 भर्तियाँ बहुत ही बड़ी भर्ती होती है, और इसको अचानक से कैंसिल कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इतनी बड़ी भर्ती थी ये कि इसको एक पल में कैसे कैंसिल कर सकते हैं यार। इतने सारे लोगों ने मेहनत करी होती है, रीट ने इतने में लोगों ने मेहनत करी है, उनका एक एक किसी छोटे से गिरोह के कारण ऐसे नहीं कैंसिल कर देंगे ये भर्ती को। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये 100% है, ये भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो कुछ लोगों ने, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूर हो सकता है कि अगर, वैसा अभी कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ न्यूज़ में ही छपा है कि रीट पेपर लीक हुआ, बट अभी ऐसा कोई सबूत रीट की ऑफिशियल वेबसाइट में भी उन्होंने अभी नहीं कुछ बोला है कि जो पेपर लीक हुआ था या क्या हुआ था अभी ऐसी कोई भी। और मैं आपको बता दूं कि मीडिया में भी ऐसी कोई खबरें नहीं है, यूट्यूब्स में ही बस आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी, मीडिया में भी अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर इतनी बड़ी भर्ती पर कोई भी ऐसा हुआ होता मामला, तो न्यूज़ में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़रूर ये सारी चीज़ें आती, ठीक है। तो उसमें भी ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, और बस ये आपको YouTube पे ही देखने को मिल रहा है। तो इतनी बड़ी भर्ती ये कैंसिल नहीं होगी। और अगर ये गिरोह को पकड़ा गया, ये हर गिरोह हर भर्तियों में ऐसे ही पकड़े जाते हैं, बस ये होगा कि अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ होगा, अगर हुआ होगा, तो बस उस जगह को री एग्ज़ाम करवा सकते हैं। बट पूरा एग्ज़ाम कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों ने मेहनत की है, उनका मेहनत ये असफल नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कल, बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे लोगों से कि हमने बहुत मेहनत करी है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा हमारा भविष्य। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला, ये 100% गारंटीड है। बस अभी 28 को इसका मामला होने वाला है, उसमें भी थोड़ी दिक्कतें हैं कि जो वकील्स वगैरह हैं वो उसमें हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो असमंजस यही है बस कि कोर्ट का मामला थोड़ा सुलझ जाए, सरकार थोड़ी अपनी कोशिश करे जल्दी कि कोर्ट का मामला सुलझ जाए, वही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। क्योंकि कोर्ट में ये भर्ती अटकी हुई है, अगर कोर्ट का सारा मामला सुलझ जाए तो फिर तो सारी राहें खुल जाएंगी। और बात यह है कि 28 के बाद फिर मई में हमारी वहाँ पर उसकी हड़ताल, छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं कोर्ट की, तो इसमें थोड़ी दिक्कत, लेट हो जाएगा काम। इसलिए 28 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट, 28
बहुत अप्रैल बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है इसकी भर्ती को सुलझाने के लिए, तो माफ़ कीजिए, मई 28 में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है इस भर्ती को सुलझाने के लिए, तो उस दिन ये जो स्टे है हटिया है, बस यही हमारी आशा है और आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाए। आप हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें इस वीडियो को। आप कमेंट करके हमें अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा तुरंत आपको वीडियो बना करके वो दे देंगे, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।